दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है मैं हूं कमिल अनुराग और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा एक वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता मैं इस चीज कभी नहीं बोलता लेकिन मैं इस वीडियो के लिए बोल रहा हूँ ये कि यह वीडियो पूरी देखिएगा आई ट्राई टू मेक इट पॉसिबल या बिल्कुल नहीं देखेगा क्योंकि अगर थोड़ी सी देखोगे आपको शायद गलत आइडिया लग जाए क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ अश्वगंधा के बारे में और अश्वगंधा एक बहुत ही पॉपुलर सप्लीमेंट है लेकिन वाई वी नीड टू एक्सरसाइज कॉशन और इससे दिक्कतें क्या क्या हो सकती हैं तो अलगूंट रीड ईमेल एक हमारे सब्सक्राइबर हैं ये उनको दिक्कतें हुई हैं अश्वगंधा से तो कुछ बात करेंगे इसके आसपास ताकि हम एक जैसे अश्वगंधा एक 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 टूल है सप्लीमेंट है और बहुत बढ़िया वाला है है यूज कैसे करना है और क्या एक्सपेक्ट करते हैं हर रोज कोई ना कोई मेरे को ई मेल आया होता 15 साल है लड़के का अभी पंद्रह से सोलह साल चौदह साल अठारह साल की हमारा टेस्टसोन कैसे बढ़ाया जाए और लोग कहते हैं क्या मैं अश्वगंधा शतावरी ये सब चीजें ले लू और एक बेसिक प्रेमाइस ये होता है क्योंकि अश्वगंधा आयुर्वेदिक है और हमें लगता है कि कोई चीज अगर आयुर्वेदिक है तो इसके साइड नहीं है नॉट ट्रू यही आज हम बात करने वाले तो बिफोर वी स्टार्ट विद होल वीडियो अगर आप में से किसी को पेट की दिक्कत है फैटी लिवर है फैमिली किसको टाइप टू डायबिटीज है हाइपर है और फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर

Burst of energy and couldn't able to drift off all that night. I thought it's just one bad night, so continue to take Ashwagandha next day. Also, but that night too, I couldn't be able to sleep. I tried to be positive and thought my sleep will come back. So I again took Ashwagandha and this continues for 11 days. I mean, I took Ashwagandha for continuous 11 days despite I was not getting in sleep. I was such a fool. Come on, who takes such things for 11 days if somebody's not getting sleep on first day? But I took it somehow. After 11 days I discontinued taking Ashwagandha and waited three months to naturally come back my sleep without meds. But my sleep. Didn't didn't come back then after three months i visited a psychiatrist uh, he gave me lorazepam but nothing happened this is this is basically a drug until date i'm not able to sleep at even for like one minute ashwagandha totally ruined my sleep i'm here attaching some snaps good snaps and satme, i'll show you those two. <laughs> there are many people in this world who face the same thing like insomnia and all so please never ever go for any herbs because at some point we thought that the herbs are natural and they don't have any side effects but this is untrue herbs are even stronger than drugs which can make permanent chemical imbalances so sari inko hui hai. Oh, there are other people kya hua hai, they don't feel good कि जैसे डोपमिन हार्मोन होता है फॉर सम रीजन कुछ हो जाता है तो पहले तो ये चीजें हो सकती हैं बिल्कुल हो सकती हैं लेकिन ये केसेस बहुत 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 कम है तो इसके लिए अगर कभी ऐसा हो कि मान के चलिए आप कोई सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं आई वुड वु आप तीन दिन के लिए यूज कीजिए दो तो या तीन दिन के लिए अगर तीन दिन चीजें सेम रहे तो डिच दोस्त अब मैं आपको एक बार बताता हूँ अश्वगंधा का जो इम्पैक्ट है ये जो न्यूरो न्यूरोडीजनरेटेड डिजीजेज है ब्रेन के रिलेटेड होते हैं इनके लिए काफी इसको स्टडी किया जा रहा है लेकिन अभी भी अश्वगंधा हमारे ब्रेन के साथ कैसे करता है मे बी आई गेस कोई बड़े अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो या प्रोफेसर हो उनको पता होगा लेकिन जो लोग रिसर्च साइंटिस्ट है उनको उतना अच्छे से भी पता नहीं चला वो मैकेनिज्म कैसे कैसे नहीं तो एक क्योंकि दिमाग वाला पार्ट जरूर है दूसरा पार्ट है और थोड़ा कम सीरियस है लेकिन ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है और देखा क्या कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक ये स्टडी है कि ये क्या था अश्वगंधा लिवर इंजरी इंड्यूस करता है तो इसमें क्या था कि पांच केसेस थे लिवर इंजरी के जो देखे गए थे जो की बहुत कम है ऐसे हो भी सकते हैं और इनको जब इन्होंने अश्वगंधा छोड़ा तो एक से पांच महीने लग गए थे बाकी सारे नंबर नॉर्मलाइज करने के लिए इनके सीरम जो सारे लेवल्स होते हैं हमारे ए एस टी एल टी एसडीपी एसओ टी जो जो इनके लीवर के सारे वेरिएबल्स थे वो सब ऊपर नीचे हो गए और इनको एक से पांच महीने लगे उस चीज को ठीक करने में तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपने ब्लड टेस्ट कराया जैसे एल एफ टी है और कुछ एलिवेटेड है डू आस्क की सेल्फ की अश्वगंधा आप ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे क्योंकि अश्वगंधा है शोन की वो लीवर इंजरी कॉज करता है तो इसके लिए अगर आपको अगर फैटी लीवर आपको है तो शायद अश्वगंधा उतना अच्छा ना हो आपके लिए अब एक और चीज क्या

लेकिन जब मेरे को जरूरत नहीं है तब मैं नहीं यूज करूंगा क्योंकि अश्वगंधा सबसे इंपोर्टेंट काम करने का तरीका है इट्स एडेप्टोजेनिक हर्ब मतलब ये आपको स्ट्रेस कम्बेट करने में हेल्प करता है लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो जैसे कॉटेट्रोल हमारा अप रहता है स्ट्रेस ज्यादा होती है तो हमारे टेस्ट्रॉन प्रोडक्शन को इफेक्ट होता है तो ये एक मैकेनिज्म है इसका जिस वजह से इसको सेन बूस्टर बोला जाता है तो अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस चिल है कोई दिक्कत नहीं किसी टाइप की तो अश्वगंधा इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू मच और अगर आप अश्वगंधा ले भी रहे बहुत लंबे टाइम तक ना लें और डू चेक योर एल या बाकी चीजें आप फुल बॉडी पैरामीटर

I hope you stay safe. I'll see you next time. Till then. P